अलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और हम लोग अभी रिकॉर्डिंग में थे रमज़ान ट्रांसमिशन की, जाते जाते मैंने कहा मैं अपने गेस्ट से, जो रुकन असेंबली के रुकन भी हैं और बहुत खूबसूरत इंसान साबित भाई, मैंने कहा जाते जाते एक मैसेज दे दें रोज़े के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, कोरोना के हवाले से। लाइट गई हुई है लेकिन मैंने कहा फिर भी मुझे देते हुए जाए मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, रमज़ान हमें रहमतें और बरकतों का महीना है, ये हमें इशार भी सिखाता है और जिसकी असल इसमें है पैगाम है या इसकी जो इसके हमें समझना चाहिए कि हमें अपने उन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो परेशान हो, और रोज़े में जब हम खुद भूखे प्यासे होते हैं तो उन भूखे प्यासों का ख्याल रखना चाहिए कि जिनके लिए ये ज़िंदगी बड़ी अजब होती है। मेरी दुआ भी इस रमज़ान में कि मेरे एक भी हमवतन के लिए ज़िंदगी बवाल ना हो, हया जुर्म ना हो, और इस रमज़ान हम अपने प्यारों के, अपने करीब मोहल्ले वालों के, पास पड़ोसों का ख्याल रखें और जितनी मुमकिन हो सके उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कायम रखे, आबाद रखे। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया और दुआ दी, और साथ साथ मेरा बहुत गहरा था भाई जिसने आज इतनी खूबसूरत दुआ कराई है वो मैं लगाऊंगी, लेकिन स्पेशल यहाँ पे भी कोई दुआ दे दे, कोई बात बता दे, हम क्या कर सकते हैं? मैं दुआ करता हूँ सबसे पहले तो आपके लिए, जितना माशाल्लाह आप रमजान करीम की प्यारी सी ट्रांसमिशन कर रही है, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह करीम आपकी पूरी टीम को, अल्लाह आपके अहले खानों को, अल्लाह इस चैनल को सलामत रखे। आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत जज़ाकअल्लाह जी। बस यही आपको दिखाना था और हम लोग अब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि लाइट चले गई, दोबारा कंटिन्यू करेंगे और बाकी फिर बात आप सोती है। अल्लाह हाफिज़।